नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। ये मंगल का राशि परिवर्तन का जो श्रृंखला चल रहा है, तो मंगल सभी जानते हैं कि मंगल पराक्रम का ग्रह है, मंगल सेनापति हैं, मंगल कमांडर हैं, मंगल और चंद्रमा मिलकर रक्त प्रवाह का भी काम करते हैं। मंगल भाई का कारक माना जाता है, नारी ज्योतिष में मंगल पति का कारक माना जाता है। तो मंगल का राशि परिवर्तन तुला राशि वाले के लिए क्या लेके आएगा, तुला राशि वाले मंगल के राशि परिवर्तन में कितने ग्रसित रहेंगे, इस बात की हम चर्चा करते हैं। देखिए, मंगल 20 अक्टूबर 2024 को मिथुन राशि छोड़कर कर्क राशि में आएंगे तथा मंगल पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहेंगे। मंगल 20 अक्टूबर को 2:24 PM पर कर्क राशि में आएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो 7 जून 2025 को मंगल पुनः सिंह राशि में चले जाएंगे। तो मंगल कर्क राशि में आएंगे, तुला राशि वाले के लिए मंगल दूसरे स्थान के स्वामी है और मंगल सप्तम स्थान के स्वामी है। मंगल प्रबल मारक ग्रह है तुला राशि वाले आपके लिए, और मंगल 20 अक्टूबर को 2024 में मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में आवेंगे और बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। अब बृहस्पति आपके अष्टम में बैठे हुए रहेंगे रेट्रोगेट। तो बृहस्पति का अष्टम में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति छठे स्थान के स्वामी है, बृहस्पति तीसरे स्थान के स्वामी होंगे आपके। तो मंगल जब तक बृहस्पति की राशि में रहेंगे, शत्रु बढ़ेगा आपका, पेट में थोड़े से प्रॉब्लम रहेंगे आपको। तो प्रॉब्लम की स्थिति आपकी रहेगी मंगल जब तक बृहस्पति की राशि में रहेंगे। बृहस्पति इस समय रहेंगे आपके मंगल के ही नक्षत्र में, मंगल आपके दशम स्थान में बैठे हुए रहेंगे। तो 7 नवंबर 2024 तक, 20 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 2024 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं होने जा रहा है। हालांकि पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको लाभ होंगे, पैटर्नल प्रॉपर्टी से थोड़े से लाभ हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की सातवीं दृष्टि, बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पैटर्नल प्रॉपर्टी पर पड़ रही है, तो पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको लाभ होंगे। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके 12वें स्थान पर पड़ रही है, तो केस मुकदमा में थोड़ी सी सफलता आपको मिल सकता है। मंगल की दृष्टि चौथे, मंगल अपने से चौथे स्थान को देखते हैं, तो मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव से पड़ेगी लग्न पर, और इस समय सूर्य देव भी बैठे हुए रहेंगे आपके लग्न में ही, बुध देव भी बैठे हुए रहेंगे लग्न में ही, और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, गुस्सा ज़्यादा आएगा, झंझट लड़ाई आप ज़्यादा करेंगे, जो प्रशासनिक सेवक हैं आपको कई तरह का कष्ट आ सकता है, जो सरकारी नौकरी करते हैं आपको कई तरह का कष्ट आ सकता है 20 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में। तो इस समय आपको ध्यान रखने की बात है, किसी भी तरह का रोग हो तो डॉक्टर से आप जरूर मिलें, गुस्से पे अपने कंट्रोल रखें आप। लेकिन जो पुलिस सर्विस में है, जो सेना में है, जो प्लाईवुड का काम करते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो फर्नीचर का काम करते हैं, आपके लिए समय अच्छा होने जा रहा है। अब 7 नवंबर 2024 को 12:36 AM से मंगल जो है पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, और शनि आपके पंचम स्थान में रेट्रोगेट होकर बैठे हुए हैं। शनि देव पंचम स्थान में रेट्रोगेट होकर बैठे हुए हैं, तीसरी दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से आपके आय भाव को देख रहे हैं, और दसवीं दृष्टि से
आपके पैटर्नल प्रॉपर्टी हाउस को देख रहे हैं। तो 7 नवंबर 2024 से मंगल पुष नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे। मंगल 28 अक्टूबर 2024 को ही पुनर्वसु नक्षत्र छोड़कर पुष नक्षत्र में आ जाएंगे और 7 नवंबर को मंगल शनि के दूसरे चरण में रहेंगे। शनि भी रेट्रोगेट है, ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि संतान आपके विदेश जा सकते हैं, संतान के रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा, लेकिन गुस्सा आपके भरे हुए रहेंगे, काम धाम करने में मन नहीं लगेगा आपको, काम धाम में काफ़ी सुस्त हो जाएंगे आप, जीवन साथी से हमेशा झंझट होता रहेगा, आय की स्थिति कमजोर होगी, तो ये स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। अब 7 दिसंबर को मंगल रेट्रोगेट हो जाएंगे, 7 दिसंबर को मंगल रेट्रोगेट आपके दशम स्थान में हो जाएंगे। तो जहाँ तक रेट्रोगेशन का सवाल है कि रेट्रोगेट ग्रह ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं खराब फल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा फल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं पिछले भाव का फल देते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। पिछले बार का भाव का फल मंगल कहाँ से देंगे, 11 डिग्री 57 कला पर मंगल रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो पिछले भाव का फल कहाँ से देंगे मंगल। मंगल रहेंगे आपके बकरी होके पुनः शनि के दूसरे चरण में और शनि इस समय डायरेक्ट हो जाएंगे, शनि आपके पंचम स्थान में रहेंगे, शनि के साथ चंद्रमा भी रहेंगे, चंद्रमा भी आपके कर्म भाव के स्वामी हैं जहाँ मंगल बैठे हुए हैं। मंगल चंद्रमा की राशि में कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो मंगल का रेट्रोगेशन होना, काफ़ी पावरफुल होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है रेट्रोगेशन मंगल का, क्योंकि मंगल आपके लग्न को देखेंगे ही, गुस्सा आपका बढ़ेगा ही, काफ़ी गुस्से में आप रहेंगे, झंझट ट्राई करेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ेगी जहाँ जीवन साथी से आपको झंझट ट्राई होगा, आय में कमी होगी, साथ ही शनि की दशम दृष्टि आपके दूसरे स्थान पर पड़ेगी, पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको तकलीफ होगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी में झंझटाई होंगे। तो मंगल का शनि के नक्षत्र में रहना आपके लिए कहीं से भी अच्छे परिणाम लेके नहीं आएगा। 4 जनवरी को मंगल बकरी होके शनि के पहले चरण में चले आएंगे और शनि की स्थिति वही है कि शनि आपके पंचम स्थान में इस समय चंद्रमा और शुक्र के साथ बैठे हुए रहेंगे, तो शनि अगर शुक्र के साथ रहेंगे, दोनों मित्र हैं, शनि और शुक्र मित्र हैं, यहाँ पर संतान के संबंध में, संतान के रिजल्ट्स में, संतान के पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। शनि के साथ मंगल खष्टाष्टक योग लगाए हुए हैं, मंगल से शनि अष्टम में है और शनि से मंगल छठे में है, ये योग अच्छा योग नहीं माना जाता है, तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, संभल कर चलने की ज़रूरत होगी आपको। 13 जनवरी 2024 को 12:24 रात्रि में मंगल पुनः पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे, अब बृहस्पति भी आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, अचानक धन लाभ का योग बनेगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको लाभ होंगे, केस मुकदमा से थोड़े से छुटकारा मिलेगा आपको, भगवान के प्रति ज़्यादा आसक्त होंगे आप, सुख सुविधा की आपको थोड़ी सी वृद्धि होगी। 13 जनवरी 2024 से लेके आपको करीब करीब 15 फरवरी 2025 तक का समय आपके लिए अच्छा समय रहेगा, इसमें कहीं से दो मत राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। अब यहाँ पर बृहस्पति जो मार्गी हैं वो 4 फरवरी को ही बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति जो आपके रेट्रोगेट होके बैठे हुए हैं आपके लिए अष्टम स्थान पर, 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे
और 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके लिए बेहतर से बेहतर समय आ जाएगा 14 मई के बाद। लेकिन अभी आपको थोड़े से संभल के रहना है, घटना दुर्घटना से बच के रहना है 13 जनवरी तक। 21 जनवरी को मंगल पुनः 10:04 AM पर मिथुन राशि में और गुरु के तीसरे चरण में रहेंगे। मिथुन राशि आपके भाग भाव की राशि है, मंगल की सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके व्यय स्थान पर। मंगल की किस मुकदमा से आपको बचना है, झंझट राय से आपको बचना है। मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ जाएगी आपके पराक्रम भाव पर, पराक्रम काफी बढ़ा हुआ रहेगा, झंझट राय कर सकते हैं आप। लेकिन जो व्यक्ति फर्नीचर के कारोबारी हैं, जो व्यक्ति प्लाईवुड के कारोबारी हैं, जो व्यक्ति विद्युत उपकरण का काम करते हैं, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। हर तरह से ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है, कहीं से समय गड़बड़ नहीं रहेगा आपका। अब 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच का समय जो है आपका, मंगल पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में रहेंगे और मिथुन राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में ही रेट्रोगेट ही रहेंगे इस समय। पंचम भाव में आपके ऑलरेडी रहेंगे शनि, जो रेट्रोगेट से मार्गी हो गए हैं, चंद्रमा के साथ रहेंगे। छठे भाव में शुक्र रहेंगे आपके राहु के साथ। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात होगी, हर गलत काम से दूर रहने की ज़रूरत होगी, हर अनैतिक संबंध से दूर रहने की ज़रूरत होगी। महिलाओं से अच्छे संबंध बना के रखने होंगे आपको, महिलाओं से झंझट राय आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है 31 जनवरी 2025 तक। अब 31 जनवरी 2025 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक का समय जो रहेगा आपका, मंगल गुरु के प्रथम चरण में चले आवेंगे और बकरी होके ही प्रथम चरण में रहेंगे मंगल। इस समय मंगल बकरी ही रहेंगे, तो हर काम को सोच समझ के करने की ज़रूरत होगी। मंगल काफ़ी पावरफुल रहेंगे आपके नवम भाव में, कुटुंब परिवार के रिश्ते में भी आपका दरार पड़ सकता है, पड़ोसियों के रिश्ते से आपका दरार पड़ सकता है, जमीन जायदाद से आपको लाभ होने की प्रक्रिया चालू रहेगी, जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होगा। अब 24 फरवरी 2025 को 7:42 AM पर मंगल हो जाएंगे आपका मार्गी। तो मंगल जब मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा सा आप पर असर पड़ेगा, अंदर से जो क्रोध आपका पनप रहा था उस क्रोध में कमी आएगी, थोड़े से शांत होंगे आप। लेकिन मंगल तो रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में ही, और इस समय बृहस्पति भी बकरी से हो जाएंगे मार्गी, तो थोड़ा सा केस मुकदमा से कुछ छुटकारा मिलने की संभावनाएं पैदा होती हैं, विदेश से आपको लाभ होने की संभावनाएं पैदा होती हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं पैदा होती हैं, जमीन जायदाद के कार्य से आपको लाभ होने की संभावनाएं ज़्यादा पैदा होती हैं। 5 मार्च 2025 को मंगल गुरु के दूसरे चरण में होंगे 5:03 PM पर, मिथुन राशि में ही रहेंगे। अब गुरु रेट्रोगेट हो गए हैं आपके, मार्गी हो गए हैं, और इस समय गुरु चंद्रमा के साथ रहेंगे 2 दिन। ये समय थोड़ा सा आपका अच्छा रहेगा। गुरु आपके छठे स्थान के स्वामी हैं और गुरु आपके तीसरे स्थान के स्वामी हैं, तो गुरु कहीं से अच्छे ग्रह तो है नहीं आपके विदेश से, लेकिन लाभ देंगे इस समय आपको। जो विदेश से कारोबार करते हैं, जो विदेश से व्यापार करते हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, आपको इस समय लाभ होने की स्थिति बनी हुई है। घूमने फिरने भी बहुत लोग विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जा सकते हैं। ये समय कुल मिलाकर आपका अच्छा समय रहेगा 5 मार्च तक। अब 5 मार्च से 23 मार्च तक का समय देखिए, 23 मार्च को मंगल गुरु के तीसरे चरण में चले जाएंगे मिथुन राशि में ही, और 29 मार्च को आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन होगा जो एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स लाके आपको देगा। 29 मार्च को शनि जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे,
मीन राशि जो आपके छठे स्थान की राशि है और शनि छठे स्थान में चिर देते हैं, एक तो दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा आपका, केस मुकदमा में सुधार आएगा आपका, यात्रा में आपको काफी लाभ होगी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को काफी लाभ होगा। 3 अप्रैल 2025 से मंगल पुनः कर्क राशि में इंटर कर जाएंगे, यानी आपके दशम स्थान में चले जाएंगे और मंगल गुरु के चतुर चरण में रहेंगे। इस समय गुरु आपके अष्टम में ही रहेंगे, शनि का ट्रांजिट हो जाएगा, शनि का ट्रांजिट आपके छठे में रहेगा। ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बुरा समय नहीं रहेगा, अच्छा समय रहेगा। पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको लाभ होंगे, सुख में आपकी वृद्धि होगी। गुरु इस समय रहेंगे आपके चंद्रमा के नक्षत्र में, काफी यात्राएं आपकी होंगी, मौज मस्ती का समय रहेगा। शुक्र रहेंगे इस समय आपके छठे स्थान पर, खर्च की अधिकता रहेगी। शुक्र शनि राहु काफी एक ही डिग्री पर करीब करीब सभी रहेंगे। हर अनैतिक काम से आपको दूर रहना है, हर अनैतिक संबंध से आपको दूर रहना है, किसी भी अनैतिक संबंध को प्रश्रय नहीं देना है। अब 20 अप्रैल दिन रविवार 20 अप्रैल 2025 को 12:59 AM पर मंगल पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में होंगे तथा कर्क राशि में होंगे। अब पुष्य नक्षत्र के स्वामी जो होंगे आपके कहाँ हैं, छठे में बैठे हुए हैं। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं आपके दशम में। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कर्म स्थान की तैयारी कर रहे हैं, यानी नौकरी चाकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या शानदार समय होगा आपके लिए। हर बेरोजगारों के लिए बड़ा ही शानदार समय होगा। शनि छठे स्थान में बैठकर आपको नौकरी देंगे, शनि कर्म स्थान से जुड़े हुए हैं क्योंकि मंगल हैं आपके शनि के नक्षत्र में। बहुत अच्छा समय रहेगा आपका 20 अप्रैल से लेकर 12 मई 2025 तक, जो सोमवार का दिन है, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। हर तरह से समय अच्छा रहेगा। ऐसे भी शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, समय आपका अच्छा होना है। अब 12 मई 2025 दिन सोमवार को मंगल नक्षत्र परिवर्तन करके अश्वलेश नक्षत्र में चले जाएंगे। अब अश्वलेश नक्षत्र के देवता जो हैं सर्प हैं, अश्वलेश नक्षत्र के स्वामी जो हैं बुध हैं। अब बुध इस समय आपके कहाँ रहेंगे, तो बुध इस समय आपके रहेंगे सप्तम स्थान पर। 12 मई 2025 से बुध के नक्षत्र, बुध प्रबल योग कारक ग्रह हैं आपके, भाग के स्वामी हैं, सप्तम स्थान में रहेंगे। व्यापार से आपको जबरदस्त लाभ होगा, जो व्यक्ति रिसर्च होल्डर हैं आपको जबरदस्त लाभ होगा, जो व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, जो कमीशन एजेंट का काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा लाभ होगा। अश्वलेश नक्षत्र में मंगल का जाना, हालांकि मंगल और बुध एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन अश्वलेश नक्षत्र में मंगल का जाना काफ़ी लाभकारी होगा क्योंकि बुध इस समय बैठे हुए रहेंगे आपके सप्तम स्थान पर। 19 मई 2025 दिन सोमवार 1:19 AM पर रात्रि में मंगल अश्वलेश नक्षत्र के दूसरे चरण में चले जाएंगे और बुध रहेंगे आपके सप्तम भाव में ही। बुध इस समय रहेंगे आपके शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र उच्च के रहेंगे आपके छठे स्थान पर। समय काफ़ी अच्छा होगा आपका, खर्च की अधिकता रहेगी आपको, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, फैशन डिजाइनिंग के काफ़ी सामान खरीदेंगे, घूमने फिरने में प्रोग्राम लगाएंगे अपना, तो ये समय आपके लिए बुरा नहीं होगा, ये समय अच्छा होगा। 19 मई तक समय अच्छा होगा। 25 मई 2025 को मंगल अश्वलेश नक्षत्र के तीसरे चरण में चले जाएंगे और 25 मई को बुध देव उस समय ट्रांजिट करके रहेंगे आपके अष्टम स्थान पर। बुध रहेंगे कहाँ, अष्टम स्थान पर, किसके साथ, सूर्य के साथ।
पिता के स्वास्थ्य से आपको परेशानी होगी, बहन के स्वास्थ्य से आपको परेशानी होगी, जो व्यक्ति विशेष करके रिसर्च होल्डर हैं आपके लिए अच्छा समय रहेगा, जो सीबीआई ईडी में है, विजिलेंस का डिपार्टमेंट का काम संभालते हैं, सीआईडी का काम संभालते हैं, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। 31 मई 2025 को शनिवार का दिन है, मंगल अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहेंगे और सूर्य और बुध एक ही डिग्री पर रहेंगे अष्टम स्थान पर, तो थोड़ा समय बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, आपको सोच समझ के काम करने की ज़रूरत होगी। आपको 31 मई तक बुद्धि को सही इस्तेमाल करना होगा, आपको अत्यधिक पराक्रम से बचने होंगे। इस समय मंगल चंद्रमा साथ में रहेंगे, कर्म भाव में लक्ष्मी योग लगाए हुए रहेंगे, काम धाम की आपकी वृद्धि होगी, गुस्से में की बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय होगा, जो विद्युत उपकरण का काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय होगा, जो पुलिस सेवा में है, सेना में है, आपके लिए अच्छा समय होगा, जो प्रशासन में है, जो डॉक्टर हैं, आपके लिए अच्छा समय नहीं होगा। अब 7 जून 2025 को रात्रि में 2:13 AM पर मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे 7 जून को, तो 31 मई 2025 से लेकर 7 जून तक का समय आपका बहुत अच्छा समय नहीं होने जा रहा है। 7 जून को 2025 मंगल जो है सिंह राशि में चले जाएंगे, जब मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आ जाएगा। तो ये रहा मंगल का ट्रांजिट तुला राशि वाले के लिए। तुला राशि वाले के लिए मंगल का ट्रांजिट बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं है, थोड़े से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने पेशेंस को बना के रखें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, हंग हनुमन्ते नमः रांग रामायण नमः, हंग हनुमन्ते नमः रांग रामायण नमः का रेगुलर जाप करें आप, लाभ होगा आपको। लेकिन मंगल का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं है। मंगल का ट्रांजिट तुला राशि में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।